ऊर्जा जो स्रोत है वो तो ईश्वरीय ऊर्जा है ही, वो तो शब्द है ही, और जो हमारा यज्ञ आदि है ये है। जितनी भी सुगंधियाँ फैली हुई हैं वो भगवान सूर्य के कारण ही है। ये संसार तो बदबू का घर है, अगर वो ना निकले एक दिन में ही सारे संसार में बदबू हो जाएगी, तुम्हें घुटके मर जाओगे आगे ना। जितनी भी आखिरकार देखो भाई, टॉयलेट के गड्ढे को साफ करवाते हो वो तो खुले में ही डाल के आते हैं, और जहाँ भी उसका स्रोत खुलता है वो खुले में ही तो खुलता है, तब वहाँ इतनी बदबू क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ सूर्य रोजाना लगता है। पहले तुम खेतों में जाते थे, थोड़ी देर के बाद बदबू गायब हो जाती है, तो क्या होता है? वहाँ सूर्य की गर्मी से ही तो गायब हो जाती है वो, किससे? आगे ना, और वही उसको पूर्ण रूप से सुखा देती है और वही मिट्टी में मिला देती है उसको। तो तुम यही देखो, अगर भगवान सूर्य ना हो तो ये संसार निरा बदबू का घर है। ऐसे ही आपका शरीर, नहीं समझे भाई? सूर्य भी तो आपको अग्नि दे रहे हैं, इसलिए इसको अग्नि में तपाया जाता है, अग्नि में ही जलाया जाता है, ताकि इससे बदबू उत्पन्न ना हो। वैसे तो शरीर की तीन ही गति है भाई, डाल दोगे मिट्टी बन जाएगा, ठीक है, या विष्ठा बन जाएगा, ऐसे ही हैं जी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उनकी विष्ठा बन जाएगा, और अगर जला दोगे तो इसकी गति हो जाती है। शरीर की गति जलाने से ही होती है। इसी तरह भाई मेरी तो हाथ जोड़ के सारे हिंदुओं से यही प्रार्थना है कि अपनी तस्वीरें जहाँ भी हैं उन तस्वीरों के अंतर की तस्वीर निकालें, शीशे और फ्रेम को छोड़ के शनि धाम में ले आए, हम यज्ञ कुंड में डाल देंगे, यहीं पे अग्नि में प्रवाह कर देंगे, इधर उधर ना फेंके। कहाँ ना फेंके? हाँ, शीशे को, और उसको अपने बेशक कूड़े में डाल दो, लेकिन तस्वीरों को हमेशा किस में डालो? अग्नि में ही डालो। अगर वो मिट्टी से बनी है तो जल में प्रवाहित करो, अगर मिट्टी से नहीं बनी है तो अपने इष्ट को, अपने देवता को, जिसको आप पूज रहे हैं, उसको ऐसे मत डालो। नदी के किनारे, नदी में, तालाब में, पोखर में, हैं जी, पेड़ के किनारे ऐसे मत डालो। इसका आप जो है अच्छा संस्कार आपके घर में नहीं रहता। उस मूर्ति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो चली जाती है, और ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ही हम तस्वीर वो करते हैं, वही ऊर्जा उस तस्वीर में समा जाती है, वही आपको अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि आप नाम लेते हैं जहाँ पे, वहीं पे आपकी श्रद्धा स्थापित हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा है, कितनी आशा कितनी तृष्णा पर कितनी करेगी पूर्ति वो पत्थर की मूर्ति। हमारा संस्कार नहीं कहता कि हम अपनी मूर्तियों को, तस्वीरों को नदी नालों में डालें। तब गणेश जी जो है वो क्या कहते हैं, MCD वाले एक उसके पास ऐसे पड़े हुए हैं और थोड़ी देर में लुढ़कने वाले हैं, फिर वो लुढ़क जाते हैं गणेश जी महाराज, और फिर वो पानी में गिर जाते हैं। अब वो 2 साल तक पानी में ही दबे रहेंगे गणेश जी महाराज, निकलेंगे नहीं। अब कोई बच्चा नहाएगा, वो पैर रखे खड़ा हुआ है गणेश जी महाराज पे, तब तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होती। तस्वीर जो भी है उसको जलाना चाहिए, मिट्टी की जो बनी है उसको जल में बहाना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी बन जाएगी, सारी आकृति धूमिल हो जाएगी। वैसे मेरा मानना ये है, जो तस्वीर आपने पहले दिन से पूजना शुरू कर दी उसको अंत तक पूजो, जब तक आपका ये शरीर है। इससे क्या होता है, एक ही तस्वीर को पूजने से उस तस्वीर में शक्तियाँ निहित हो जाती हैं, ऐसे ही आपके उसी केंद्र में वो ओर्स निहित हो जाएंगी, वो ऊर्जा निहित हो जाएगी। युगों युगों में भी आपके वहाँ कोई बैठ के पूजा करेगा, धरती पलट जाएगी, सब कुछ पलट जाएगी, तो वहाँ उसको आशीर्वाद ही मिलेगा। जैसे आप कहीं पर घर ले लेते हैं, वहाँ आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत सारी आत्माएँ आपको दुखी करती हैं आँखें, फिर पता चलता है बाद में कोई भक्त या शाणा बताता है आपको कि यहाँ पे तो कभी क्या था, शमशान था, तब आपको पता चलता है यार यहाँ तो शमशान था। इसी तरह जहाँ भगवान का भक्त बैठा हो वहाँ पे भक्ति करने से उसकी ऊर्जाएं और सदा सदा और को औरों की भी ऊर्जाएं, उसके कुल की या उसके कुल के बच्चों की ऊर्जाएं वहाँ पे निहित हो जाती हैं, और वही ऊर्जाएं आपको संपर्क देती हैं। आप उठते किसी चीज़ से नहीं हो, विवेक किसी चीज़ से नहीं जागता है, मैं आज आपको बताता हूँ, इन्हीं ऊर्जाओं से आपको सब कुछ मिलता है। इसलिए अपने आसपास ऊर्जाओं का स्रोत प्रवाह देखें, ठीक है ना? तो वो यही नहीं है, मेरे घर पे भी है उतना ही, तो इसका मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? क्यों पहुँच रही है फिर बताइए मुझे, और उसी मात्रा में क्यों पहुँच रही है? तो फिर और कैमरे कैसे फैल हो जाते हैं कि दीवार के परले पार के कैमरे फैल हो गए? किसने करके दिखाया ऐसा? कौन कर पा रहा है ऐसा? कोई नहीं कर पा रहा, मनु भैया ने ही करके दिखाया। जैसे मनु भैया कहते हैं कि कोई भी श्याम मानव आ जाए मैं दिखा दूंगा यहाँ प्रेत होते हैं, कोई भी दुनिया का ऐसा आदमी आ जाए कि जो ये मानता है कि प्रेत नहीं होते मैं दिखा दूंगा, बशर्ते वो ये सोच के ना आए कि जैसा शरीर उसका है प्रेत वैसा ही पाएगा, ठीक है ना? तब मैं उसको प्रेत दिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रेत तो मात्र बिंदु है, क्या है? और वो काला है, वो व्हाइट भी नहीं है ना गोरा है, क्योंकि वो काला है, शैतान का रंग भी काला होता है ना? आपको पता है क्या कहते हैं,
राहु केतु काले ही है, आपको पता है इस बात का, वे भी काले ही है और शनिदेव महाराज भी क्रूर होने के कारण काले ही कहलाते हैं। क्रूर कौन होता है? जो शक्त होता है, और शक्त दो प्रकार का होता है। एक शक्त वो होता है जो न्यायाधीश की संज्ञा रखता है, ठीक है ना, तब उसको किसी बच्चे को फांसी देने से कोई परहेज नहीं होता। माँ के बेटे को फांसी दे दी जज ने, अब माँ ने ये तो देखा नहीं बेटे का अपराध क्या है, माँ तो जज को कोस रही है, साले तेरे पूत मरे तू नहीं पिता हो, ये हो वो हो, तूने मेरे मेरे बेटे को फांसी की सजा दे दी, तेरे कुल में कोई संतान ना हो, तेरे पोते मर जाए, तेरी पत्नी मर जाए, जा तुझे कीड़े पड़े। माँ तो यही कह रही है ना, कह रही है कि नहीं कह रही है? माँ को थोड़ा ही ना पता है तेरा बेटा रेपिस्ट है और पता नहीं 15 का खून कर दिया, माँ को इससे मतलब नहीं होता। इसलिए न्यायाधीश का सख्त होना जरूरी है, और न्यायाधीश में एक तत्व और होता है, वो होता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि नपुंसक भाव, ना स्त्री का ना पुरुष का, किसी का कोई भी आपने पक्ष लेना ही, और रिश्वत की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। लेकिन आज का न्यायाधीश क्या है, उसमें ये नपुंसकता का भाव तो है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो काम ही हो रहा है। और दूसरा, आज के न्यायाधीश में क्या बात है कि वो इधर का भी पक्ष ले सकता है, इधर का भी पक्ष ले सकता है, जिधर का वजन ज्यादा है उधर का भी पक्ष ले सकता है, जिधर गांधी जी ज्यादा है उधर का पक्ष ले सकता है, ये आज के न्यायाधीश है। नहीं समझे? जैसे भारत में सबसे ज्यादा वकील है, लेकिन भारत में ही सबसे ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा केस भी है, ठीक है, जितने वकील कम कर दोगे केस कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कतर में कोई वकील नहीं है, जज भी नहीं है, जो सजा है वो सबके लिए, चोरी करी फांसी, ये करा फांसी, ये करा फांसी, सबके सामने चौराहे पे कर लो भाई, कौन करेगा? नहीं समझे? तो सजाएं ऐसी मुकर्रर होनी चाहिए, ना तो जज की जरूरत और ना वकील की जरूरत, इतने वकील होते हुए, इतने सीए होते हुए सरकार की चोरी होती है कि नहीं, तो चोरी कौन कराता है, फिर सीए कहां बनाते हो भाई? नहीं समझे आप? आ रहा है समझ में? लेकिन ये विवेक तभी जागते हैं जब हमारे आसपास अच्छी ऊर्जाओं का संकलन होता है, स्रोत होता है, तब आपका बच्चा लेखक बनता है, अच्छा कवि बनता है, अच्छा वक्ता बनता है, तब उसके गुण जागने लगते हैं, गुण जागृत होते हैं। कौन करता है गुण जागृत? आपकी ऊर्जाएं। कौन करता है? ऊर्जाओं को इकट्ठा करो, सारी ऊर्जाएं आपके काम आएंगी। आपको पता नहीं, हिंदू भी जानता है, मुस्लिम भी जानता है कि जो मंत्र पढ़ा उसका कोई मुवक्किल होता है ना, कोई मुस्लिम भाई है या कोई है? अरे मुस्लिम कोई नहीं आज, तो वो जानता है कि प्रत्येक शब्द का एक मुवक्किल होता है। इसी तरह हम भी जानते हैं कि मंत्र शक्ति जो है, मंत्र के साथ एक शक्ति होती है, वो चलती है, जैसे ही हमने मंत्र जाप किया वो आपके अंदर में धस जाएगी, और वो शक्ति धीरे धीरे जागृत हो जाती है, उसकी ऊर्जाएं बन जाती हैं और वो ऊर्जाएं काम करने लगती हैं। एक बात बताओ, आपने एक चीज़ देखी, एक चमत्कार डायरेक्टर देखा है, जिनके पैर नहीं उठते उनके पैर अपने आप उठ जाते हैं, जबकि वो खुद बल नहीं लगाते, कौन उठा रहा है भाई? इससे ज़्यादा चमत्कार क्या देखना चाहते हो जो शनि धाम में देखा है तुमने आज तक, और एक बार नहीं? वो आपने एक बार नहीं देखा, लाखों बार देखा है। कितनी बार देखा है? लाखों बार दिखाया मनु भैया ने आपके, और कब से दिखा रहे हैं? 2015-14 से दिखा रहे हैं। इस तरह से शक्तियां काम करती हैं, जाहिल लोग मानते नहीं, वो हमें ही जाहिल बताते हैं। तो फिर आ जाओ ना मैदान में, आ जाओ, दुनिया का कौन सा डॉक्टर आएगा, आ जाओ दुनिया का कौन सा जज आएगा, आ जाओ दुनिया का कौन सा मीडिया वाला आएगा, आ जाओ ना। रोज खोज करते हो, यहाँ भी तो खोज कर लो कुछ, जिसने असली खोज की है, एक सत्यवेत्ता से टकरा लो, लेकिन सत्य से टकराने की हिम्मत ही नहीं है किसी में, यही मैं तुम्हें बता देता हूँ, सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। मीडिया वाले इसलिए नहीं आते, कहीं कान में फूक लग जाए और तुम बेहोश ना हो जाओ। भाई मैंने मना तो नहीं किया किसी के आने पे, रोक टोक तो नहीं है, आप भी मीडिया वाले हैं, आप आते हैं, या कोई रोक टोक तो नहीं है? तो मीडिया वालों के आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते मैं उनको समय अलग से नहीं दे सकता, मैं अपना काम करता रहूंगा, वे अपना काम करते रहे, क्यों भाई, गलत तो नहीं है? सही है। हाँ, वो पूछ ले अपने सवाल, कुछ समय निकाल के हम उसके सवाल का जवाब दे देंगे, ये भी बता देंगे प्रेत कैसा होता है, दिखता क्यों नहीं, ये भी बता देंगे। अरे भाई तुम्हारी योनी बदल गई, उसको भी कुछ याद नहीं, उसकी भी एक योनी है ये, जैसे तुमने मानव का नया जन्म लिया और उन लाखों मानवों में से कोई एक जानता है मेरी पिछले जन्म की पत्नी फलाना गांव में रहती है, उसी प्रकार से भूत प्रेतों में भी कोई लाखों में एक ही जानता है कि मैं फलाना हूँ, वरना तो उनकी सारी याददाश्त खत्म हो जाती है।
और वो ऊर्जाएं किसके बल पे कंट्रोल होती है? खाने के बल पे कंट्रोल होती है। किसके बल पे? सारे देवता खाने के बल पे कंट्रोल होते हैं। यज्ञ में आप आहुति डालते हैं, देवता भोग लगाता है, वो प्रसन्न होता है, आपको आनंद प्रदान करता है। ऐसी एक भी ऊर्जा नहीं जिसका कोई आहार भगवान ने नहीं बनाया हो। कितना सूक्ष्म जीव की खोज की है आज तक साइंस ने, वो ये बताए कि वो बिना आहार के कौन सा रहता है, एक ज्ञानी बाबा के अलावा। बोलो, ऐसे एक निराहार योगिनी, पता नहीं कितने निराहार योगी हुए हैं भारत में, लेकिन भारत के अलावा क्यों? क्योंकि हमारी साइंस ज्यादा है, हमारी खोज भी ज्यादा है, हमारी पत्तियां ज्यादा है, और हमने सीखा कुछ ज्यादा है। मनु भैया ने कुछ सीखा, पंडोखर वाला कुछ और सीखेगा, बागेश्वर वाला कुछ और बताएगा, तो सबकी अपनी अपनी अपने अपने क्षेत्र में एक खोज, और वो निरंतर जारी है। जैसे मेरी खोज 20 साल से चल रही है, किसी की खोज 15 साल से चल रही है, किसी की 30 साल से चल रही है। नहीं समझा? 4 साल का था पंडोखर बाबा जब से गद्दी लगाता है, अब उसको कौन चैलेंज करेगा भाई? करे, उसने कह दी क्षेत्र में जितने भी लोग पर्ची लिखने वाले हैं सारे आ जाओ, ठीक है, अब मेरी पर्ची का जवाब दो, मैं तुम्हारी पर्ची बना दूंगा सबकी, ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके बल पे कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, अभी बना दूंगा अभी के अभी। और बोलो, कोई ना गया, एक भी ना गया, आ गए ना भाई? सत्य सत्य है। देखो, कोई आदमी पैसा कमाने के लिए आता है, कोई आदमी पुण्य कमाने के लिए आता है, कोई आदमी इस सत्य को धारण करता है जिसने भगवान को देखा कि यहाँ से कुछ नहीं लेके सब यहीं पड़ा रह जाना है, तुम्हारे में से कोई एक कुछ नहीं लेके जा सकता, जहर चला जाएगा, सब यहीं की हाय मरी रह जाएगी। कुछ ना लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना सब कुछ जो है हमारे पास उसको डॉक्टरों के भर दें। नहीं समझे? तुम डॉक्टरों के भर रहे हो। क्यों भर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें निगेटिविटी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बैठे हैं सर, आप में से यहाँ लोगों को आराम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जिनको पढ़े हाथ उठाना जरा, दोनों हाथ उठाएं, जब भी उठाएं, कभी एक हाथ नहीं उठाना, ये बात याद रखना, शनि का दरबार है, शनिदेव महाराज का दरबार है। अच्छा, ये इतने लोगों को आराम पड़े हैं, अब नीचे हाथ करो। और दवाई कौन खाता रहा निरंतर जिसको आराम नहीं पड़े दवाई खाने से? जिनको दवाई खाने से कभी आराम ही नहीं पड़े निरंतर, उतने ही हाथ उठ गए। दवाई खाने से कभी आराम नहीं पड़े, अब ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को दवाई खाने से आराम नहीं पड़े? कोई भी आदमी वीडियो बना सकता है, कोई भी आदमी इन बातों की, जब मैं संबोधित करूं सभी को तब कोई भी आदमी वीडियो बना सकता है, आगे ना। तो कोई तो दरबार में ऐसे बैठता नहीं, कोई रोजाना काम करता।